लालगुआ प्रांतीय उद्योग व्यापार मंडल के पदाधिकारियों ने रेलवे स्टेशन में हो रहे निर्माण कार्यों में कार्यदायी संस्था के ठेकेदार द्वारा घटिया सामग्री इस्तेमाल किए जाने तथा निर्माण कार्यों में भ्रष्टाचार का आरोप लगाते हुए स्टेशन अधीक्षक पुष्कर सिंह को डीआरएम के नाम का ज्ञापन सौंपा, जिसमें पदाधिकारियों ने रेलवे स्टेशन पर हो रहे सभी निर्माण कार्यों में इस्तेमाल हुई सामग्री एवं उनकी गुणवत्ता की जांच की मांग की। इस दौरान पदाधिकारियों ने चेतावनी भरे लहजे में कहा, अगर जल्द ही ज्ञापन पर कोई ठोस कार्यवाही नहीं हुई तो उग्र आंदोलन को भी मजबूर होंगे, जिसकी जिम्मेदारी रेलवे प्रशासन की होगी। जिसके बाद स्टेशन अधीक्षक पुष्कर सिंह ने व्यापार मंडल के पदाधिकारियों के साथ स्टेशन पर हो रहे निर्माण कार्यों का निरीक्षण करने हेतु स्टेशन अधीक्षक पुष्कर सिंह ने व्यापारियों के मामले की जांच कराकर उचित कार्यवाही का आश्वासन दिया। आपको बता दें, आज प्रांतीय उद्योग व्यापार मंडल के जिला उपाध्यक्ष संजय जोशी के नेतृत्व में दर्जनों पदाधिकारियों ने रेलवे स्टेशन पर पहुंचकर स्टेशन अधीक्षक पुष्कर सिंह को डीआरएम रेखा यादव के नाम ज्ञापन सौंपा, जिसमें उन्हें रेलवे स्टेशन पर चल निर्माण कार्यों में घटिया सामग्री इस्तेमाल करने तथा निर्माण कार्यों में मोदी सरकार की योजना में बड़े पैमाने पर भ्रष्टाचार का आरोप लगाते हुए गुणवत्ता की जांच की मांग की। भारत सरकार की अमृत भारत योजना के तहत लालगढ़ स्टेशन का सौंदर्यीकरण होना, जिसके लिए गवर्नमेंट ने उत्तराखंड ये भारत सरकार ने 24 करोड़ रुपए दिए हुए हैं ताकि हमारे क्षेत्र के स्टेशन का विकास हो सके, सुधार हो सके। लेकिन ठेकेदार के द्वारा यहाँ पर जो भी कार्य किए जा रहे हैं सब गुणवत्ता से अलग हैं, तो उसमें गुणवत्ता का ध्यान नहीं दिया जा रहा है। बिल्कुल घटिया सामग्री इस्तेमाल की जा रही है, घटिया निर्माण सामग्री इस्तेमाल की जा रही है, घटिया ईंटें इस्तेमाल की जा रही हैं। इससे शिकायत हमने आज लालगढ़ स्टेशन के SS महोदय को दी है, लिखित ज्ञापन दिया है जो कि DRM महोदय के लिए हमने दिया है, जिसमें कार्रवाई हो और निष्पक्ष जाँच हो। आज यहाँ पे हमने दिखाया, SS महोदय को दिखाया कि निर्माण कार्य में कितनी घटिया चीज़ें इस्तेमाल हो रही हैं, हमने देखा पूरा। उन्होंने आश्वासन दिया है कि हम इसकी शिकायत अधिकारियों को भेजेंगे, अगर इसमें नहीं होगी तो हम इसमें धरना देंगे, प्रदर्शन करेंगे। तो अमृत भारत योजना के अंतर्गत मोदी जी ने जो 24 करोड़ रुपए का जो प्रोजेक्ट यहाँ लालपुआ के लिए रखा गया है, और इसमें जो ठेकेदार जो गलत ढंग से मटेरियल और पुरानी ईंटें और जो सही ढंग से काम नहीं कर रहे हैं उनके ऊपर उचित कार्रवाई और वो होनी चाहिए और ठेकेदारों को बदलना चाहिए। अगर आज हम लोगों ने सब व्यापार मंडल की तरफ से एक ज्ञापन दिया गया है और इस पर अगर कार्रवाई नहीं होती तो धरना प्रदर्शन किया जाएगा।